देखिए, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इसको आप सभी लोग में से कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हो, रेस्पिरेटरी ठीक है। इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एंड टू डेराइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली। क्यों ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर्ड है, टू ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, है ना। रेस्पायरेशन प्रोसेस बेसिकली क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स है जो अपन खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज वगैरह होता है, उस न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करती है बॉडी, वहां से फिर एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे जो रेस्पायरेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स हो रहा है, वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका नीट का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है ना। वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में SSC, रेलवे, नीट, एम्स, कहीं पे भी पूछा जा सकता है क्या, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबाउट कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। अब यहां पे जो रिएक्शन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ फूड पार्टिकल का, वहां से सिर्फ ऑक्सीजन, सॉरी सिर्फ एनर्जी नहीं निकलेगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। मतलब ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। अब उस रिएक्शन को क्या कह रहे हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, क्या कह रहे हैं उसको, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। देखिए एक वर्ड है कैटाबॉलिक, क्या आया यहां पे, कैटाबॉलिक रिएक्शन। एक दूसरा वर्ड आता है क्या, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी सुनेंगे आप, ठीक है। देखिए कैटाबॉलिक रिएक्शन जो है, कैटा का मतलब क्या है, ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन, ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें फूड पार्टिकल वो क्या होता है, टूटता है, जिसमें मेन काम किसका रहता है भाई, तोड़ने का काम रहता है, किसका रहता है, तोड़ने का काम रहता है, उनको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है एनाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है, बिल्डिंग अप रिएक्शंस, बिल्डिंग अप रिएक्शंस, मतलब
ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, बनता है, क्या होता है, चीजें बनती हैं। आज समझ में आ गई। एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है, बिल्डिंग अप रिएक्शन जिसमें चीजें बनती हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें चीजें टूटती हैं, यानी ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस। ठीक है, अब एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म दोनों को साथ में कंबाइन करके क्या बोल दिया जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें टूटने का और बनने का काम एक साथ होता रहेगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की अगर बात करें तो क्या है भाई, बिल्डिंग बिल्डिंग अप प्लस ब्रेकिंग ठीक है, टूटना और बनना एक साथ होता रहेगा तो उनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। बात समझ में आ गई होगी। कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है, ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन टूटने वाली। एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या है, बनने वाली रिएक्शंस। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है, दोनों को एक साथ क्या बोल दिया जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मतलब मेटा इक्वल टू कैटा प्लस एना, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस इक्वल टू कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक रिएक्शंस, ये इक्वेशन के फॉर्म में आपका हो गया। ठीक है, इसको आप एज इट इज इसी तरह से अगर याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा और लंबे समय तक भी याद रहेगा। ठीक है, जैसे कि मुझे है, क्लियर है। देखिए कैटाबॉलिक रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन इज कॉन्टिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट। मतलब क्या कह रहा है, ऑक्सीजन इज कॉन्टिन्यूअसली प्रोवाइड की जाती है किसको, सेल्स को। मतलब ऑक्सीजन इज कॉन्टिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है और रिएक्शंस के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से प्रोड्यूस किया जाता है सेल्स के द्वारा। ठीक है, सेल्स के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया गया है वो ब्लड में मिल जाएगा, ब्लड होते हुए पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में लेके आएगा, फिर लंग्स से उसी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सटर्नल नोस के थ्रू, नोस्ट्रल्स के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। ठीक है ना, हाँ, इसी प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। क्या, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, मतलब दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर, मतलब एटमोस्फियर से क्यों बोल रहे हैं, फ्रॉम एटमोस्फियर मतलब एटमोस्फियर से ही तो अपन ऑक्सीजन को ले रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर, अब किसके साथ एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो कहां पे प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी सेल्स में। ठीक है, तो इसी एक्सचेंज के ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर विथ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। क्या कहा जाता है उसको, ब्रीदिंग कहा जाता है। ठीक है, कॉमनली नोन एज रेस्पाय रेस्पिरेशन, कॉमनली इसको क्या कहा जाता है, क्या कह दिया जाता है, रेस्पायरेशन कह दिया जाता है। अब यहां पे एक चीज और क्लियर आउट कर दूं कि जो रेस्पायरेशन बेसिकली होता है वो जो सेल के अंदर होता है ना, कोशिका
कोशिकाओं के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, उसको ही आप रेस्पायरेशन बोलते हैं। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहें अगर हाइपोथेटिकली उसको, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसको क्या कहा जाता है, उसको ही कहा जाता है क्या, ब्रीदिंग। बात समझ में आ गई, इसमें कंप्लीट प्रोसेस को ही रेस्पायरेशन बोल दिया है, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नली होता है उसको कहते हैं क्या, ब्रीदिंग। और जो सेल के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन या फिर इंटरनल रेस्पायरेशन। अगर रेस्पायरेशन को दो फॉर्म में डिवाइड करें, एक को इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, दो फॉर्म में डिवाइड कर दें अगर, इंटरनल रेस्पायरेशन और दूसरा है क्या, एक्सटर्नल। ठीक है, तो जो यहां पे अपने क्लासिफाई किया इसको इंटरनल रेस्पायरेशन, इसको आप बोल दो क्या, रेस्पायरेशन ही। क्या बोल दो इसको भाई, रेस्पायरेशन ही बोल दो, ठीक है। जो ये एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है, जहां पे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, इसको आप क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग। क्या बोलेंगे इसको, ब्रीदिंग बोलेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं क्लियर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बहुत बार जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्स में, या फिर कई बार एडवांस पेपर आता है आपका नीट का भी, तो भी ये क्वेश्चन बन सकता है आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इंटरनल रेस्पायरेशन को ब्रीदिंग कहते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन को ब्रीदिंग कहते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकता है। आपको ऑप्शंस के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस चूज करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना उसको ही क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग कहा जाता है। जो इंटरनल रेस्पायरेशन होता है ये कहाँ होता है भाई, सेल्स के अंदर होता है, बॉडी सेल्स में होता है ना, कोशिकाओं में होता है, ठीक होता है, सेल्स के अंदर होता है, कोशिकाओं में होता है, ठीक है। तो उसको रेस्पायरेशन कह सकते हैं, जो सेल्स के बाहर रहता है ना, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, उसको क्या कहेंगे, या ब्रीदिंग, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेस्पायरेशन इज फॉर एनर्जी लिबरेशन। मतलब रेस्पायरेशन प्रोसेस क्यों रिक्वायर्ड है, इसमें क्या होता है, रेस्पायरेशन जब सेल्स के अंदर होता है, जो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फूड पार्टिकल्स को, जनरली फॉर एग्जांपल ग्लूकोस ले लें अगर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है, और उस ब्रेक डाउन में क्या क्या रिलीज होता है आपका, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, रिलीज होती है, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो जाएगी भाई, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शंस डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, अभी बेसिक देख लो, क्या हो फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल मान लो क्या, ग्लूकोस C6H12O6, ठीक है ना। और क्या होगा, ये किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां से क्या रिलीज होगा भाई, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ क्या है, एटीपी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, प्लस साथ साथ क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी,
ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर भी तो भेजना पड़ेगा ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में मिल जाती है? आपकी ब्लड में, ठीक है। अब ये ब्लड होता हुआ कहाँ आता है? आपका लंग्स में, है ना, लंग्स के किस में? एल्वियोली में, ठीक है। ये लंग्स से होते हुए फिर कहाँ जाता है? आपका ब्रोंकियोल्स, है ना, फिर ब्रोंकस, फिर ट्रैकिया से फेरेंग्स, ठीक है। इसको ये बताने की जरूरत है, देखो लंग्स से कहाँ जाता है? ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद फेरेंग्स, है ना। फेरेंग्स के पहले अगर देखें तो लैरेंग्स, लैरेंग्स के बाद ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद फेरेंग्स, फेरेंग्स के बाद नेसल चैम्बर, ठीक है। नेसल चैम्बर की अगर बात करें उसके बाद तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। उसके बाद कहाँ रिलीज कर दिया जाता है भाई? एटमॉस्फियर में, या कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फियर में रिलीज कर दिया जाता है। ये होता है आपका पूरा प्रोसेस काय का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। होपफुली आपको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन का पार्ट लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट भाई, रेस्पायरेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है ना, ठीक है। वो काफ़ी चीज़ें अपन ने डिस्कस इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी कर ली है, उसके बाद भी देख लेंगे यहाँ पे क्या। रेस्पायरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, क्या क्या स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप की बात करें, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमोस्फियर एक एयर इज ड्रॉन इन। क्या कह रहा है वर्ड आया यहाँ पे, क्या है भाई? पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लंग्स। पल्मोनरी वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? लंग्स के लिए। वेंटिलेशन का मतलब आपको होगा आपके क्लासरूम में, रूम में या बेडरूम में ऊपर वेंटिलेटर्स लगे हुए होते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहे, तो इसलिए ये वर्ड यूज किया जाता है। कौन सा? वेंटिलेशन का, ठीक है। वेंटिलेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है भाई? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमोस्फियर एक एयर इज ड्रॉन इन। मैंने बताया था क्या, एटमोस्फियर एक एयर को अंदर ले लिया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर, कौन सी एयर भाई? एल्वियोलर एयर। एल्वियोलर एयर क्यों कहा जा रहा है इसको पता होगा आपको, लंग्स के अंदर एल्वोलीज होती हैं, ठीक है। अब एल्वोलीज होती कैसी हैं? छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे कैसे? बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, गुब्बारे नुमा ऐसे मान लो, ठीक है। तो जो बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ब्लड लेके आता है, वो कहाँ पे लेके आता है? यहीं एल्वोली के बाहर जो दूसरी बॉडी सेल्स होती है, मेम्ब्रेन्स होती है, वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वेलर मेम्ब्रेन के थ्रू। ये बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, पोरस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। यहाँ से एक्सचेंज ऑक्सीजन अंदर से ब्लड में चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेली के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है क्या,
कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर, मतलब जो एयर एल्वियोली में भरी हुई है उसको क्या बोल रहा है वो, एल्वियोलर एयर बोल रहा है, ठीक है। इस रिलीज्ड आउट, कैसे उसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। सेकंड स्टेप की बात करें, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, क्या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। गैसेस कौन कौन सी है, ऑक्सीजन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन को तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ये मान लो एक एल्वियोली है, ठीक है, तो ये एल्वियोली की जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये वाली, इसको बोल रहे हैं क्या, एल्वियोलर मेम्ब्रेन। इसी के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है इसी मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। मान लो ये एल्वियोली मान रहे हैं आप, यहां से एक पाइप आया है लंग्स के अंदर, ठीक है, बाहर से नोस्ट्रिल से अपने सांस लिए पाइप होते हुए आए, यहां से अंदर गई हवा, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच एयर है, बाहर जाके ब्लड आएगा, ठीक है ना, वहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर चली जाएगी, ऑक्सीजन अंदर से कहाँ बाहर आ जाएगी। इस तरीके से आपका क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मीडियम होता है वो क्या होता है, ब्लड, ब्लड एक्ट करता है एज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है ना, क्या, ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कौन कराता है, ब्लड कराता है, और ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ह्यूमन बॉडी में या कहीं भी, क्यों, क्योंकि ब्लड ही एक जगह से दूसरी जगह हर एक बॉडी सेल्स तक, हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचता है, क्या, ब्लड। तो अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखें तो ब्लड कराता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखें तो ब्लड कराता है ना, जो भी चीज यहां से वहां ट्रांसपोर्ट होनी है वो किसके थ्रू होगी, आपकी ब्लड के थ्रू होगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस हो गई, उसके बाद क्या होगा भाई, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होनी है कहां, टिश्यू लेवल पे, तो वहां पे भी जो टिश्यूज को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वहां पे ऑक्सीजन उसको दी जाती है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड क्या कर लेता है, अपने पास ले लेता है, खींच लेता है, क्यों, ताकि वो वापस से एल्वियोली में यानी कि लंग्स में पहुंचाई जा सके, ठीक है ना। फोर्थ स्टेप क्या है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है। यहां पर डिफ्यूजन दो बार हो रहा है, ठीक है, एक तो अल्वियोलर लेवल पे अल्वियोली में, एक तो कहां पे, टिश्यू में। जो अल्वियोली में डिफ्यूजन होगा वहां पे अल्वियोली के अंदर से ऑक्सीजन टिश्यूज में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से अल्वियोली में आ जाएगा, ठीक है ना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब यही फिर वहां से टिश्यू से, इसको बहुत डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मिल गया है, वो ब्लड जाएगा कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे, है ना, किसी भी बॉडी पार्ट में, किसी भी बॉडी पार्ट के टिश्यू में जाएगा, वहां पे क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फिर से होगा, डिफ्यूजन फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है। उस टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी और ये ब्लड फिर क्या करता है, फिर से वहां से चल देता है और आपके लंग्स तक आता है, फिर से ये सेम प्रोसेस दोहराया जाता है, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट देखेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। अब यहां पे क्योंकि ऑक्सीजन मिल गई है बॉडी टिश्यू को, सेल्स को, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन का यूटिलाइज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा किसमें, कैटाबॉलिक रिएक्शंस में। मैंने बताया था कैटाबॉलिक रिएक्शंस मतलब ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस, क्या, ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस, ठीक है ना।
इस ऑक्सीजन को फूड पार्टिकल्स के ब्रेकडाउन के लिए यूज किया जाएगा एंड रिजल्टेंट, और इसका परिणाम स्वरूप परिणाम क्या होगा, रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोसेस मैंने पूरा बताया इक्वेशन को फॉर्म में, रिएक्शन बता दिया आपको, क्या रिलीज ऑफ क्या होगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है ना, होगी कि नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी वहां पे, कहां पे, टिश्यू लेवल पे। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई तो ही कार्बन डाइऑक्साइड वापस से बॉडी के बाहर तो क्योंकि निकालनी है, तो कैसे पहुंचेगी उस टिश्यू लेवल से, मान लो पैर के अंगूठे में ये रिएक्शन हो रही है तो पैर के अंगूठे से आपके लंग्स तक आनी है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैसे आएगी, कौन लेके आएगा भाई, ब्लड लेके आएगा ना, हाँ, तो फिर से क्या होता है, देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन कैरीड आउट बाई ब्लड टू द लंग्स एंड देन रिलीज्ड आउट थ्रू नोस्ट्रिल्स, ठीक है, और पुनः एक बार फिर से ब्लड के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी किया जाता है आपके लंग्स तक, और लंग्स से फिर उसको बाहरी माहौल में, बाहरी एनवायरनमेंट में, आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक होपफुली आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है ना। अब आपको बात करें, इंट्रोडक्शन तो हो गया, सिस्टम पूरा देख लिया भाई, स्टेप्स देख लिए कैसे कैसे होता है, अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है ना, क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो अलग अलग जीवों में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जहां से रेस्पिरेशन पॉसिबल हो पाता है। बात करें यहां पे, देखो यहां पे एक साइड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लिखे हुए हैं, एक साइड एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं किसके किसकी बात करें, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या हो सकती है, क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, कुछ ऑर्गेनिज्म में जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू भी क्या हो जाता है, बॉडी एक्सचेंज हो जाता है किसका, गैसेस का, ठीक है। कुछ में ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं, गिल्स होते हैं, लंग्स होते हैं, ये सब आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हुए हैं, अब किस में क्या होता है वो देख लेंगे। क्या पहला है आपका जनरल बॉडी सरफेस, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जहां पे जनरल बॉडी सरफेस से ही गैसियस एक्सचेंज हो जाती है, उनको कोई एक्स्ट्रा चीज रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो भाई जनरल बॉडी सरफेस किस में हो जाती है, स्पंज में हो जाती है, सिलेंट्रेट्स में हो जाती है, और फ्लैटवर्म्स में हो जाती है, ठीक है। ये सब चीजें आपने एनिमल किंगडम में पढ़ी होंगी, या नहीं पढ़ी है तो आगे आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। क्या स्पंज, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होता है भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। नेक्स्ट है मॉइस्ट क्यूटिकल, यानी कि स्किन, है ना, मॉइस्ट स्किन। अब जो स्किन की अपर लेयर होती है उसको क्या बोल रहे हैं, क्यूटिकल बोलते हैं उसको, मॉइस्ट है ना, अपर लेयर जो होती है स्किन की उसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, है ना। तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू, ऐसी स्किन जिसमें मॉइस्चर ज्यादा रहता है, नमी ज्यादा रहती है, वहां से भी गैसेस एक्सचेंज होता है, किसमें, अर्थवॉर्म्स में और फ्रॉग्स में, आपके मेंढकों में और केंचुए जो होते हैं अर्थवॉर्म्स होते हैं, उसमें कैसे गैसेस का एक्सचेंज कहां से होता है, ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है उनमें, मॉइस्ट स्किन, क्या है भाई, मॉइस्ट स्किन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, ट्रैकियल ट्यूब्स में भी होता है, किसमें, इंसेक्ट में, ठीक है, इंसेक्ट्स में काय के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स में, कीड़े मकोड़ों में काय के थ्रू होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको याद रखना पड़ेगा कि किसमें क्या होती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं, नीट में भी, एम्स में भी, और आगे भी पूछे जाएंगे, एंड ऑल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, SSCs में, रेलवेज में, है ना, रेलवेज में आजकल तो जितने भी UP SSSC या फिर UPSC ऐसे एग्जाम्स हो गए, साइंस की अगर बात करें तो उसमें 50% तो बायोलॉजी पूछी जाती है, बाकी की 50 में से 25% पूछी जाती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो आपको बायोलॉजी पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के
हिसाब से, ठीक है ना। तो इंसेक्ट्स में क्या है भाई, ट्रेकियल ट्यूब्स। अब कुछ चीजें आती हैं, अगला क्या है भाई, गिल्स। गिल्स किस में प्रेजेंट होता है, एक्वाटिक जितने भी पानी में रहने वाले जीव हैं उनमें क्या होता है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है भाई, गिल्स। किस में होता है, पानी में रहने वाले जीव, किस में, पानी में जो रहते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एक्वाटिक बोलते हैं, एक्वाटिक बोलते हैं, ठीक है। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, मोलास्क जो होते हैं, फिशेस, ये सब कहाँ रहते हैं जनरली, आपके पानी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं जनरली, पानी में रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, लिव्स इन वाटर, क्लियर है। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट रेस्पायरेटरी ऑर्गन वो क्या है, लंग्स, ठीक है। क्या आता है नेक्स्ट, लंग्स आता है, ठीक है। लंग्स किस में होता है रेस्पायरेटरी ऑर्गन भाई, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में, ठीक है। लंग्स जो ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उसमें जनरली ज्यादातर क्या होता है भाई, लंग्स ही होता है रेस्पायरेटरी ऑर्गन। जो आपके रेप्टाइल्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं, आपके टेरेस्ट्रियल है, लैंड पर रहते हैं। बर्ड्स भी कहाँ हैं, बाहरी रहती है एनवायरमेंट में। मैमल्स भी क्या है, बाहरी रहते हैं, ठीक है। तो लंग्स किसके लिए है, टेरेस्ट्रियल। ठीक है ना, जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनमें जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ये सब क्लियर हो गया होगा। गिल्स किस में होते हैं, जो पानी में उपस्थित होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स में क्या होता है, इंसेक्ट्स में ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं, ठीक है ना। मॉइस्ट स्किन होती है किसमें, अर्थवॉर्म्स में, फ्रॉक्स में, ठीक है ना। सिलेंट्राइड्स हो गए आपके, स्पंज हो गए, फ्लैटवॉर्म्स हो गए, उनमें क्या होती है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से करते हैं भाई, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे अपन यहाँ तक रखते हैं। अपन ने देखा आज इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम डिस्कस किया, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बेसिक आउटलुक लिया, और किन ऑर्गेनिज्म में क्या क्या रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी अपन ने देखा है, ठीक है। बाकी की बची हुई चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन शुरू करेंगे क्या, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम शुरू करेंगे पूरी तरह से, अच्छी तरीके से, ठीक है ना। होपफुली आप सभी लोगों को जो भी चीज़ें बताई गई हैं बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। हाँ, और बाकी की जो भी चीज़ें हैं आप लोग पढ़ते रहिए।